नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 26 AS आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, फॉर्म 26 AS में आपने जितना भी एक साल के अंदर टैक्स जमा किया है वो सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि आपको जो सैलरी मिली है कंपनी से उसमें कितना TDS कटा है वो भी लिखा होगा उसमें। इसके अलावा अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट में से कितना परसेंट TDS कटा है वो भी लिखा होगा उसमें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहीं से पैसे मिले हैं उस पर कोई TDS वो भी उसमें लिखा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई कार खरीदी है जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है उस पर कितना TDS आपकी तरफ से जमा हुआ है वो भी लिखा होगा। कुल मिला के आपने एक साल के अंदर कितना टैक्स सरकार को जमा किया है TDS के रूप में वो सब कुछ फॉर्म 26 AS में लिखा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी ITR भरने जा रहे हो तो इसी फॉर्म में से देखकर आपको भरना पड़ता है कि भैया मैं इतना टैक्स ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल पेज पर, और यहाँ पर आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर देखिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने की अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर या फिर जो आपकी यूज़र आईडी है वो डाल सकते हो। चलिए मैं अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद पासवर्ड डाल के आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा ई फाइल, सेकेंड नंबर पर डैशबोर्ड के बगल में ई फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आना होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26 AS, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है, सॉरी कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपको सिंपली यहाँ पर आई एग्री के आगे टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू फॉर्म 26 AS, दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म 26 AS डाउनलोड करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है वो हमारा है 2022-23, क्योंकि मैं 21-22 जो मेरा साल गया है उस पर उसकी ITR भरने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 2022-23 करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है व्यू एस, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर देखिए HTML और टेक्स्ट, आपको सिंपली HTML पर क्लिक करना है और इसके बाद व्यू एंड डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका फॉर्म 26 AS यहाँ पर पूरा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर आपने जो जो टैक्स दिया है, जितना टैक्स दिया है आपने, TDS कटा है आपका, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली वापस से ऊपर आना है और आपको दिख रहा होगा देखिए एक्सपोर्ट एज PDF, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए आपका फॉर्म 26 AS इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इस फॉर्म को अपने CA को दे सकते हो या फिर अगर आप खुद ही ITR भर रहे हो तो इसमें से देखकर आप अपनी ITR भर सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, इन केस अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।